हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हिंदी मीडियम के लिए। हमने जो इससे पिछली क्लास ली थी प्यारे बच्चों, वो था क्लोरोफॉर्म, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम क्या हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का? इसका औद्योगिक नाम होता है पाइरीन। इसका औद्योगिक नाम क्या होता है? पाइरीन होता है। और इसका IUPAC नाम की बात करें तो टेट्राक्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नेम जो है वो क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नेम होता है। इसके बाद हम इसके निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। निर्माण की विधि जो है, सबसे पहले विधि हम इसमें लिखेंगे, निर्माण की विधि में सबसे पहले जो विधि है वो होगी क्लोरोफॉर्म से। हम कैसे निर्माण कर सकते हैं इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म से निर्माण करेंगे CHCl3, यह इसकी पहली मेथड है निर्माण की विधि। CHCl3 क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम Cl2 से करते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में हम यहाँ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, एक हाइड्रोजन और एक Cl का यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाएगा। Cl के द्वारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण इसमें हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म से निर्माण कर लिया हमने, नंबर दो मेथड की बात करते हैं। नंबर दो जो मेथड है वो है CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड से। देखिए कार्बन डाइसल्फाइड से हम कैसे निर्माण कर सकते हैं इसका, तो कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2 से अभिक्रिया करते हैं हम। CH2 से अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कि हमने कार्बन डाइसल्फाइड है इसके साथ में, CH2 के साथ में हमने क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी 2Cl2, और ये प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो क्या हो जाता है बताइए? CCl4 और S कितने निकल गए? 2S, ठीक है, ये इसमें बन जाता है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, CCl4 और H2Cl2, इसमें 3Cl2 अगर ले, जैसे एक और हम ले लें CH2+3Cl2, अगर ये ले तो इसमें क्या उत्पाद बन जाएगा? CCl4, मतलब क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 6, लेकिन 4 क्लोरीन आ गए किसके साथ? कार्बन के साथ। 2 क्लोरीन और 2 S क्या निकाल देते हैं? H2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड का निर्माण और कर देते हैं। आप देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक क्लोराइड है 2S2Cl2, ये वापस किसके साथ क्रिया करता है? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है? CCl4+6S, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों CCl4 के निर्माण की विधि देखी है। नंबर फर्स्ट, हम क्लोरोफॉर्म से निर्माण कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया यदि हम Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो CCl4 का निर्माण होता है। नंबर दो, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड से यदि हम निर्माण करते हैं तो हम कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे, तो उत्पाद क्या बन जाएगा? CCl4। इसी प्रकार से ये दो मेथड हैं, क्लोरोफॉर्म और CH2 से, ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद आगे स्टडी हम करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे लिए टॉपिक है वो है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, भौतिक गुण मीन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है CCl4 की वो क्या होती है? यह एक रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यह जल में अभिलेय होता है, जल में अभिलेय होता है।
फिर तीसरी प्रॉपर्टी है यह कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। कार्बनिक विलाय कौन कौन से हैं, जैसे C6H6 बेंजीन, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे ईथर ETC, ये सब क्या होते हैं, ये कार्बनिक विलाय होते हैं। तो कार्बनिक विलायकों में ये क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं, तो आगे भौतिक गुण पढ़ने के बाद में हम इसमें पढ़ेंगे इसके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो हम इसमें एक रिएक्शंस के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे इनकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हमने लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। CCl4 हमने इसमें लिख लिया है प्यारे बच्चों। CCl4 की रिएक्शन हम करते हैं इसमें इसी प्रकार से। हम इसमें देखिए टोटल 6 रिएक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस प्रकार से हमने एरो बनाए इसमें, और इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं टोटल 6 रिएक्शन किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। सबसे पहले जो है इसका हम कराते हैं अपचयन। फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम पढ़ते हैं अपचयन, इसका कराते हैं रिडक्शन, और ये हम करते हैं किसकी, Fe2O कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हम देखेंगे कि CCl4 है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन किसको प्रतिस्थापित करेगा, Cl को प्रतिस्थापित कर देगा। मतलब उत्पाद हमारे पास क्या बन जाता है, HCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। किसका निर्माण हो गया प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हमने कर दिया। वो क्या निकल गया इसमें से, HCl इसमें से बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखिए ये हमारा FeH2O के साथ में हमने इसका अपचयन कराया है, तो क्लोरोफॉर्म HCl का निर्माण हमने कर लिया। इसके बाद CCl4 का हम एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, केवच की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो केवच की उपस्थिति में क्या करेंगे ये स्टूडेंट्स, टोटल कितने लेंगे अपन, 4 मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे। कितने लेंगे, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। Cl कितने हैं अपने पास में, 4 है, 4 पोटेशियम, पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +1, Cl की कितनी, -1, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, कितने KCl निकल गए, 4 KCl, -4 KCl। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कार्बन के साथ में कितने OH जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों, 4 OH जुड़ जाते हैं। कौन सा कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल अस्थाई इसमें उत्पाद बनता है। इस अस्थाई उत्पाद को हम देखें, इस अस्थाई उत्पाद में से हम क्या कर दें, इसमें से H2O बाहर कर देते हैं। कितने H2O बाहर कर देते हैं, 2H2O इसमें से हम बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें से हमने 2H2O को बाहर निकाल दिया, हीट करते हैं इसको, और कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है इसके साथ में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है। इस प्रकार से CCl4 की अभिक्रिया यदि एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में करते हैं तो एक अस्थाई उत्पाद बनता है, जिसमें से 2H2O निकालने पर CO2 बाहर निकल जाती है। इसके बाद CCl4 के साथ प्यारे बच्चों हम आगे यदि अभिक्रिया करें CCl4 के साथ में, तो हम इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं H2O के साथ में। किसके साथ में कर सकते हैं, H2O के साथ में। यदि H2O के साथ में ये रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या बाहर होने की संभावना होती है, इसमें 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2HCl हम इसमें से बाहर निकाल देते हैं। उत्पाद क्या बन जाता है अपने पास में, COCl2। COCl2 क्या है, फॉस्जीन गैस है। ये किसमें हमने की थी निर्माण, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जब हमने स्टडी की थी तो एक टॉक्सिक नेचर की गैस, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, एक टॉक्सिक नेचर की गैस फॉस्जीन गैस बाहर निकलती है। और ये फॉस्जीन गैस हम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब वाटर हाइड्रोलाइसिस, जब जलयोजन करते हैं किसका, CCl4 का, तब क्या निकल जाती है बाहर, HCl निकलने पर फॉस्जीन गैस बाहर निकल जाती है, फॉस्जीन गैस का निर्माण हो जाता है। ये तीसरी अभिक्रिया हमने डियर स्टूडेंट्स इसमें कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद देखिए
ये नंबर फोर्थ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। नंबर फोर्थ रिएक्शन में हम क्या करेंगे, CCl4 जो होता है उसकी अभिक्रिया यदि हम CCl4 की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ कर दें, इस यदि हम किसके साथ करें, फिनोल के साथ कर देते हैं, फिनोल के साथ कर देते हैं, और इसके साथ फिनोल के साथ हम क्या ले लेते हैं, और 4KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें ले लेते हैं, अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और फिनोल ले लेते हैं, इसके CCl4 की अभिक्रिया जब कराते हैं। तो CCl4 की अभिक्रिया जब हम इनके साथ कराएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो कि यदि हम 4KOH की अभिक्रिया किसके साथ, फिनोल के साथ करा रहे हैं, CCl4 के साथ करा रहे हैं, तो ये एक नेम रिएक्शन है और इस नेम रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है बताइए पहले बच्चों, राइमन टीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, राइमन टीमान अभिक्रिया, राइमन टीमान अभिक्रिया के नाम से इस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों जाना जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, राइमन टीमान अभिक्रिया है। हम राइमन टीमान अभिक्रिया को जब कंप्लीट करें CCl4 के साथ हम OH4KOH की रिएक्शन करने जा रहे हैं, और इसके साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं तो क्या उत्पाद बन जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास में देखेंगे, फिनोल 4KOH और पोटेशियम 4Cl, इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया, नेगेटिव 4KCl एंड 4 हाइड्रोजन है इसके अंदर उपस्थित, तो इसमें से 2H2O की हम बाहर निकाल देते हैं। शेष हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे, इसमें से 2 ऑक्सीजन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन थे, 4 में से 2 बाहर निकाल दिए, 2 ऑक्सीजन बचे, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, ये इसमें हम देखेंगे 4KOH लिया गया है और यहाँ CCl4 था, CCl4 में से 4Cl और 4 पोटेशियम बाहर निकाल दिए, बच गया कार्बन, 2 ऑक्सीजन बच गए, और हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बेंजीन रिंग के जिस स्थिति पर ये समूह जुड़ेगा वहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब हम इसमें उत्पाद जो बनाएंगे उसमें आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स उसमें हम क्या निकालेंगे, जैसे OH इसमें पहले से उपस्थित है, कार्बन यहाँ से बच गया और 2 ऑक्सीजन इसमें से बच गए, और यहाँ से जिस स्थिति पर ये ग्रुप जुड़ा यहाँ से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, तो ये हो गया CWH, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक अम्ल। तो किसका निर्माण किया प्यारे बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण, इस प्रकार से हम सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम CCl4 की अभिक्रिया करवाते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में 2HF के साथ में रिएक्शन करते हैं, प्लस 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन है, 2Cl बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल दिया बाहर, 2HCl, क्या निकाल दिया, 2HCl बाहर निकाल दिया। 2HCl बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि दो जो फ्लोरीन थे वो किसमें जुड़ गए, कार्बन के साथ में जुड़ गए, तो CF2Cl क्या बन गया, CF2Cl2 का निर्माण हो गया। इसका नाम देखें क्या नाम हो सकता है इसका, इसका नाम है फ्रियोन 12। ये नाम कैसे पढ़ते हैं ये हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जब टॉपिक हम स्टडी करेंगे फ्रियोन, जब इस चैप्टर के अंदर ही हम फ्रियोन नामक टॉपिक स्टडी करेंगे तो उस फ्रियोन नामक टॉपिक में हम इस के नामकरण के बारे में बात करेंगे, फ्रियोन 11 क्या होता है, 12 क्या होता है, ये सब। तो नेक्स्ट वीडियोस को आप देखते रहिए और इस प्रकार से आपके जो इंडियन कल्चर है ये आपके क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद देखिए लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, CCl4 की रिएक्शन हमने 2HF के साथ में करवा ली, 2HF के साथ में रिएक्शन करके हम इसका निर्माण हम कर चुके हैं। अब देखिए एक और रिएक्शन CCl4 के साथ में यदि हम करें, CCl4 के साथ यदि हम और अभिक्रिया करें तो कैसे निर्माण कर सकते हैं, यदि CCl4 जो है उसका क्या हो, रिडक्शन, जैसे यहाँ पे 2H के साथ में रिडक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ यदि हम CCl4 का कितने के साथ रिडक्शन करवा देते हैं, के साथ रिडक्शन करा देते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराएंगे तो इसमें हमारे पास क्या उत्पाद बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 हाइड्रोजन हैं, 4Cl हैं, लेकिन इसमें से 2 हाइड्रोजन और 2Cl इसमें रिमूव हो जाएंगे, मतलब इसमें से क्या निकाल दिया हमने, 2HCl, और उत्पाद क्या बना दिया हमने, CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण हमने कर लिया, ये मेथिलीन
क्लोराइड का निर्माण हमने इसमें कर लिया है, मिथिलीन क्लोराइड का निर्माण कर लिया। तो कह रहे बच्चों इस प्रकार से हम CCl4 टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। CCl4 को इस प्रकार से हम इसमें CCl4 टॉपिक में हम केमिकल रिएक्शंस इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपचयन कराया, pH2 कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लिया, एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में हमने स्टेबल प्रोडक्ट में H2 निकाल करके CO2 निकाल दी। इसके बाद H2 के साथ में कौन सी गैस पॉजिटिव गैस बन रही है, यदि फिनोल और केवच के साथ अभिक्रिया होती है तो इसको एलाइनमेंट की मान अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद बनता है सैलिसिलिकम। SbCl5 के साथ यदि करते हैं तो फ्रियोन 12 बनता है। यदि रिडक्शन जो है वो LiLH4 या फिर NaCl4 की उपस्थिति में हो तो क्या बनता है, मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम एक CCl4 टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसको यूजेस की, उपयोग की बात करेंगे। CCl4 के उपयोग क्या होते हैं, उपयोग के बारे में बात करें हम। उपयोग नंबर एक जो है, सबसे पहला उपयोग हम इसमें स्टडी करें तो पहला उपयोग इसका क्या होता है, एज ए लेबोरेटरी एज ए प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। नंबर दूसरा हम इसमें देखें उपयोग, देखें प्यारे बच्चों दूसरा उपयोग हम देखें प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, पहला उपयोग हो गया। नंबर दो जो उपयोग है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उपवन व एक वर्म के इलाज में, मतलब एक ऐसी डिजीज होती है उपवन होते हैं जो कि जंतुओं से मनुष्य में ट्रांसफर होती है, तो इस रोग के उपम और टेपम जो रोग होते हैं उनको सही करने के लिए, उनके इलाज के लिए हम CCl4 का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा जो उपयोग है वो है इसका आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होता है, यह विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता है, यह विस्फोटक प्रकृति का नहीं होता है CCl4 और ज्वलनशील नहीं होता है, इस कारण से इसको आग बुझाने में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद नंबर 4 उपयोग है इसका विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, पहले जो विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यह एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यह कार्बनिक विलायक है और इसके अंदर कार्बनिक विलायकों को आसानी से खोला जा सकता है। कार्बनिक कोई भी यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक को इस कार्बनिक विलायक CCl4 में आसानी से खोला जाता है, मतलब यह किसके रूप में, विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 5 उपयोग है इसका पहले बच्चों, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने टॉपिक स्टडी किया आज, पूरे उपयोग इसके पढ़ लिए हमने और इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इसके भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण के बारे में हमने बात की है, इसके केमिकल रिएक्शंस की हमने बात की है और इसके उपयोग के बारे में स्टडी की है, परिभाषा और निर्माण की विधि हमने इसमें पढ़ ली है। तो CCl4 टॉपिक है प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे हेलोजन। अरे बच्चों हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं हेलो ए,
स्टूडियो स्टूडेंट्स, हेलो एलिन क्या होता है? सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं तो एरोमेटिक हेलाइड हेलो एलिन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हकल के 4N+2 रूल को फॉलो करता है, जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो सभी क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने एग्जाम्पल, इसको हम क्या करते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। हेलो मतलब हेलोजन कुछ जुड़ा होगा और एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड है जिस पर क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाता है? हेलो एरिन। अब इसकी परिभाषा की, एक सही परिभाषा की हम बात करें, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन की अभिक्रिया H2 हेलोजन के साथ की जाए तो एक एच और एक एक्स इसमें से बाहर निकाल देंगे HX, और उत्पाद क्या बन जाएगा? C6H5X। मतलब ये जो उत्पाद बना वो क्या है? हमारा हेलो एलिन है। क्या है ये? हेलो एलिन। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा की बात करेंगे प्यारे बच्चों। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? हेलो एलिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा हमने, यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा होता है तो बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एलिन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके बात करेंगे, ये तो परिभाषा की बात हुई, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं नोमेन कल्चर, मतलब इसके नामकरण की बात करते हैं। तो नोमेन कल्चर देखिए, नामकरण या नोमेन कल्चर, नामकरण की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने लिखा है C6H5Cl। एग्जाम्पल नंबर टू हमने लिख दिया है, जैसे इस प्रकार से बेंजीन रिंग बना करके हमने लिखा है Cl और Cl इसमें दो ऐड कर दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर तीन हमने इसमें लिखा है Cl CH3। एग्जाम्पल नंबर चार लिखा है हमने प्यारे बच्चों Br, इसमें एड हमने कर दिया है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फाइव हम लिखते हैं इसमें Cl NBr, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर सिक्स हमने लिखा है I। एग्जाम्पल नंबर सेवन प्यारे बच्चों लिखते हैं Cl 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 और Cl। एग्जाम्पल नंबर एट लिखते हैं हम Cl 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 और Cl, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने लिखे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं एरोमेटिक हैलाइडों की, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइडों की। ये जो लास्ट एग्जांपल लिखा है प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर एट, ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था 4N+2 पाई रूल, ये किसका रूल था? हकल का रूल था, इस नियम को ये फॉलो नहीं करता बिकॉज इसके अंदर 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं है और ये प्लेनर कंपाउंड नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, मीन ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर एट एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, बाकी सभी एरोमेटिक हैलाइड हैं क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ये हकल नियम को फॉलो करते हैं, ये प्लेनर कंपाउंड होते हैं, इस कारण ये सब क्या है? ये सभी के सभी एक एरोमेटिक हैलाइड कंपाउंड्स हैं। नामकरण की बात करें, अब देखिए प्यारे बच्चों, Cl जुड़ा हुआ है और बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cl मतलब इसको पूर्व लग्न की भांति यूज करते हैं, इसको परफिक्स की भांति यूज करते हैं। नाम क्या लिखेंगे इसका? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो
ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,2 ठीक है। इसको हम दूसरी पोजीशन पे CH3 है, फर्स्ट पे क्लोरो है, इसको ऑर्थो भी लिखा जा सकता है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए BR से दो जुड़े हुए हैं, पोजीशन नंबर 3 और 1 पर BR जुड़ा हुआ है, मतलब 1,3 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्या नाम है, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम है। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों आगे हम बात करते हैं, तो CL और BR जुड़े हुए 1, 2, 3 और 4, नाम क्या हो गया, 1,4-bromo-benzene, 1,4-bromo-benzene। एग्जाम्पल नंबर 6 से अलग क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। इसके बाद देखिए पहले बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 जो है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है 1,2,3,4,5,6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन, हेक्सा क्लोरो बेंजीन। और इसका IPC नाम क्या है लास्ट वाले का, 1,2,3,4,5,6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, दूसरा में 2 क्लोरीन जुड़े थे पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 पर, इसे हम कहते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तीसरा एग्जांपल है 1 नंबर 1 पर 1 नंबर 2 पे जुड़े हुए हैं, मतलब इसका नाम क्या, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। फिर एग्जांपल नंबर 4 में 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसके बाद हम देखें एग्जांपल नंबर 5 में 1,4-bromo-benzene, और एग्जांपल नंबर 6 में आयोडीन जुड़ा हुआ है, मतलब आयोडोबेंजीन। फिर एग्जांपल नंबर 7 रिंग प्रेजेंट है और 6 CR हर एक कार्बन पे जुड़े हुए हैं, मतलब 1,2,3,4,5,6 कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब 6 हैं तो हेक्सा आ गया, क्या है क्लोरीन है तो क्लोरो आ गया, बेंजीन है तो बेंजीन आ गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 में बात करें वो ही पोजीशन नंबर 1,2,3,4,5,6 क्लोरो है जुड़ा हुआ, क्लोरो आ गया, कितने हैं 6 है तो हेक्सा आ गया। और लास्ट में हम देखेंगे इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, एक साइक्लो कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, मतलब 1,2,3,4,5,6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस अगले वीडियो की मिलती रहे और आप लॉकडाउन का पूरी तरह से फायदा उठा सके और अच्छे तरीके से आपकी स्टडी कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट और आपकी 12th क्लास में बना सकूं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।